I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon from New Delhi. और मैं इस बार राइनोप्लास्टी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि राइनोप्लास्टी क्या है और इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं. अगर राइनोप्लास्टी बेसिकली इट्स ए कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ द नोज़ को हम तराशते हैं, उसको और सुंदर बनाते हैं. ज़्यादातर क्वेरीज हमारे पास आती हैं नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की, लेकिन वो उसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमाएं होती हैं जो हम उसमें कुछ हद तक ही परिवर्तन कर सकते हैं. लेकिन जब समस्या होती है कि आपकी हड्डी या कार्टिलेज को तराशना है, उसको और सुंदर बनाना है, तो उसमें फिर हमें राइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक सर्जरी ही करनी पड़ती है. तो नाक जो है ये आपके चेहरे का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर फेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स योर ब्यूटी. ज़्यादातर लड़कियाँ नाक के बारे में काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं. और इसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली अगर आपकी नाक ज़्यादा चपटी है तो हमें उसको उठाना पड़ता है नाक को. उसके लिए हम उसमें कार्टिलेज या बोन डालते हैं जिससे कि नाक आपकी उठ जाए. अगर नाक ज़्यादा उठी हुई है तो हमें उस उठे हुए कार्टिलेज और बोन को तराशना पड़ता है और उसे समतल बनाना पड़ता है. अगर आप देखेंगे, अब देखिए जो आपको फ़ोटो दिखाई जा रही है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक 20 साल की एक लड़की आई है जिसकी नाक और कार्टिलेज काफ़ी उठा हुआ है, जिसका उभार काफ़ी ज़्यादा है और जो उसकी पर्सनैलिटी को बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है. जब ये लड़की हमारे पास आई तो काफ़ी कॉन्शियस थी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, बट वेरी बहुत कॉन्शियस थी. उसको टेंशन थी कि भाई उसको शादी के लिए कुछ दिक्कतें ना आए. और हमारे साथ उसने फिर 2-3 सेशन लिए, हमने उसको बताया क्या क्या किया जाता है, हमने उसको कन्विंस किया कि भाई हम क्या करने वाले हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है. जहाँ पर भी हड्डी और कार्टिलेज जैसे उठा हुआ, जैसे इस लड़की के चेहरे में, तो उसमें हमने क्या किया है कि नाक के अंदर गए हम लोग और उसमें जो भी उठा हुआ भाग था कार्टिलेज का या हड्डी का, उसको हमने काट के तराश दिया. लेकिन जब हम काट के तराशते हैं तो फिर नेचुरली वहाँ पे एक थोड़ा फ्लैट रूफ अपीयरेंस आ जाती है, तो फिर हमें हड्डियों को भी पास खसाना पड़ता है. और हमने ये जो सर्जरी की, ये एक दिन का काम था, 2 घंटे की सर्जरी हुई और सुबह पेशेंट वॉज एडमिटेड एंड शाम को उसको हमने डिस्चार्ज भी कर दिया. प्लास्टर जो था वो 7 दिन के बाद निकाला गया और अब आप देख सकते हैं कि लड़की 1 महीने के बाद आई है एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी. उसकी पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बदल गई है एंड व्हाट शी सेड वाज जस्ट थैंक्स, शी थैंक्ड अस फॉर व्हाट वी हैव डन. एंड हम बड़े खुश थे कि भाई नेचुरली किसी के भी जीवन में हम कुछ परिवर्तन ला सके. और कॉस्मेटिक सर्जरी का यही रोल है कि इसमें हम आपका जो मॉरल है कॉस्मेटिक से द्वारा उसको बदल सकते हैं, आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही हमारा काम है. और अगर आपको भी अपनी नाक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बिल्कुल भी संकोच ना करें. ये बहुत ही पॉपुलर सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ नोज़ राइनोप्लास्टी, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अमेजिंग होते हैं. पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी टोटली बदल जाती है. तो डोंट वरी अबाउट राइनोप्लास्टी, इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी प्रेडिक्टेबल सर्जरी. थैंक यू वेरी मच.